तुझे कटघरे में खड़ा करना चाहता है ना, ले कर ले। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ, ये खेल एकदम खत्म ही हो जाए। ये क्या हो गया तुम्हें अनुराग? बकवास मत करो। साला कायर कहेगा, जिंदगी भर चुन सहता रहा है और सहता रहेगा, लौटा ही रहेगा, ना अपना सर उठा सके ना अपनी आवाज। अरे अगर मैं नहीं होता ना, वो जिंदा नहीं होता। हर एक मुश्किल में मैंने उसका साथ दिया है, लेकिन देख देख वो मेरे एहसानों का कैसे बदला चुका रहा है। केड़ी, उस पुट्टी का खून उसने किया है और इल्जाम कुछ पे डाले हैं। लेकिन दोस्त की बातों में कैसे आ गया केड़ी? हाँ, द ग्रेट केड़ी पाठक। यार मुझे तो लगता था तू इस देश का सबसे समझदार वकील है। यार तू तो सिर्फ एक मामूली जज्बाती इंसान है जिसे कोई भी धोखा दे सकता है, कोई भी। केड़ी, वो दुनिया को धोखा दे रहा है और तुझे भी। मुझे तुझ पर तरस आता है केड़ी, तरस। केडी सर। अनुराग जी सर। अनुराग ही विराट है? विकंडित व्यक्तित्व, मनोभाजन, स्प्लिट पर्सनालिटी, एक ही शरीर में दो अलग अलग शख्सियत। सर, उसे अपनी इस हालत के बारे में पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट वरुण, ये बहुत ही गहरी दिमागी बीमारी है जिसके चलते रोगी को लगता है कि वाकई सचमुच वो दूसरा इंसान है। जैसे अनुराग को लग रहा है कि सचमुच विराट है और विराट को लग रहा है कि अनुराग है। मुझे लगता है कि ये हत्या अनुराग ने की है, मतलब अनजाने में विराट बनकर, और अनुराग को इस बारे में पता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनुराग ने खून चाहे किसी भी हालात में किया, लेकिन सजा तो उसे ही मिलेगी। हाँ, दुर्भाग्यवश अगर हत्या उसने की है तो उसका दंड तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। मुझे ये बात अदालत के सामने तो लानी होगी, और हो सकता है कि अदालत उसकी मानसिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सजा थोड़ी कम कर दे। नहीं, मैं आपके इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। मैं ये केस किसी दूसरे लॉयर को दे दूंगी। जैसा आपको ठीक लगे डॉक्टर शामली। अदालत के सामने सच्चाई पेश करना मेरा कर्तव्य है, और मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करने से कोई नहीं रोक सकता। स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि दोहरी शख्सियत, इज दैट व्हाट यू से? जी, मिस प्रतिज्ञा। योर ऑनर, वास्तविकता में विराट नाम का कोई व्यक्ति नहीं। ये केवल एक काल्पनिक पात्र है जो मेरे मुवक्किल के मानसिकता में बसा है। ये क्या कह रहे हैं आप केडी सर? क्या कह रहे हैं आप? विराट नहीं है, मैं विराट हूं सर। मैं अनुराग हूं और विराट है, और मैं बीमार नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं जज साहब। पहली बार मैं अनुराग से सहमत हूं, क्योंकि मैं तो शुरुआत से ही कह रही हूं योर ऑनर के विराट एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसे अनुराग इस्तेमाल कर रहा है, और अब जब उनका सच पकड़ा गया तो एक चालाक पैतरे को मिस्टर पाठक एक मेडिकल कंडीशन का रंग दे रहे हैं ताकि वो अपने मुवक्किल को बचा सके। बचा नहीं रहा हूं योर ऑनर, अपने मुवक्किल की सच्चाई अदालत को बता रहा हूं। हाँ, अगर अनुराग ने विराट बनकर मिसेज मिस्त्री की हत्या की है तो ये अदालत से दंड का पात्र है, लेकिन इसे दंड इसकी मानसिक स्थिति पर नजर रख के दी जाए। केडी,
सिवाय तुम्हारी दलील के इस बात का क्या सबूत है कि अनुराग की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो खुद को विराट समझता है? अनुराग, तुम तो एक होनहार चित्रकार हो, क्या अदालत के लिए तुम विराट का चित्र बना सकते हो? जी सर, बिल्कुल बना सकता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे कल्पना अनुसार विराट ऐसा दिखता है? कल्पना के अनुसार नहीं सर, वो हकीकत में ऐसा दिखता है। असलियत में तो वो इसे भी खतरनाक दिखता है। योर ऑनर प्लीज, ये इस कोर्ट में क्या ढोंग चल रहा है? जब हमें पता चल गया है कि कोई विराट नहीं है तो क्यों ना हम उसे भूलकर असली कातिल को सजा दें, जो है ये अनुराग सिरोही। आई एम सॉरी अनुराग, प्रोसिक्यूशन की बात सटीक है। अब तक हम विराट को दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मिसेस मिस्त्री के हत्यारे तुम हो। या क्या कह रहे सर, अब ये क्या कह रहे? वही कह रहा हूं जो सच है। और काश विराट स्वयं अदालत में आकर अदालत को यह सच बता सकता, लेकिन दुर्भाग्यवश वो तो कहीं दूर छिपा हुआ है। योर ऑनर, प्रतिपक्ष स्वीकार करता है कि अनुराग सिरोही ने ही मिसेस मिस्त्री की हत्या की। इस बात का क्या प्रमाण है कि मिसेस मिस्त्री की हत्या अनुराग ने की? अब आया ना मुद्दे पर तू केड़ी, अब आया, अब आया। सबूत है वो लाखों के जेवर, जो उस बुढ़िया की अलमारी में थे, और अब वो जेवर अनुराग के घर में उसके कद्दे के नीचे है, भूल हो रही है तुमसे, क्योंकि मिसेस मिस्त्री की कबर्ड से कोई गहने गायब नहीं है। तो उस बुढ़िया की व्हीलचेयर के पास देखो, जब अनुराग ने उस बुढ़िया पर हमला किया था तब उस बुढ़िया ने अनुराग के कुर्ते का कॉलर पकड़ा था और बटन टूटकर वही गिर गया था। वो बटन वही मिल जाएगा। हाँ, ये सारी बातें तुम कैसे जानते? क्या तुम थे वहां मिसेस मिस्त्री के घर? हाँ, मैं गया था वहां उस बेवकूफ को रोकने, लेकिन वो मेरी नहीं माना, मार दिया उसे।
मार दिया उस बुढ़िया को। लेकिन पुलिस को तो कुर्सी की सीट के नीचे कुछ भी नहीं मिला। ठीक से ढूंढेंगे तो मिलेगा ना, बोला ठीक से ढूंढे। विराट, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि अनुराग ने ही मिसेस मिस्त्री को मारा है या झूठा आरोप लगा रहे हो तुम? क्या तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है केडी? क्यों होगा? तू ठहरा उसका वकील, उसकी तरफदारी करेगा ना? नहीं, तूने मुझे घेर कर यहां बुलाया केडी, हाँ, ताकि तू मुझे यहां फंसा सके और वह कुत्ते के बच्चे को बचा सके। तू भी अनुराग के तरह दोगला निकला है ना? नहीं आना चाहिए था मुझे यहां, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मेरा कोई यकीन क्यों नहीं करता था? मैंने मिसेस मिस्त्री को नहीं मारा, उस विराट ने मारा है। मुझे फंसाया गया है सब। मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा, उस मिसेस मिस्त्री का खून विराट ने ही किया है, मैंने नहीं किया ऐसा। अनुराग, क्या तुम जानते हो कि अभी अभी विराट यहाँ आया? क्या विराट यहाँ आया था? सर, आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? उसे जाने क्यों दिया? वही तो खुली है सर, सब वही तो खुली है। नहीं जाने देंगे उसे, लेकिन एक समस्या है अनुराग, कि उसके विरुद्ध हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, क्या करें? सर है, सबूत है सर, सबूत मैं देता हूँ। मिस्त्री मैडम के कपट में लाखों के गहने थे, विराट उन्हें चुरा कर भाग गया था। वो गहने उसी के पास मिलेंगे, उसी के पास होंगे वो गहने। लेकिन गहनों की तो ऐसी कोई चोरी हुई? सब जब विराट ने मिस्त्री मैडम पर हमला किया था, तो उस छीना चपटी में मिस्त्री मैडम ने उसके कुर्ते का कॉलर पकड़ा था और उसके कुर्ते का बटन टूटकर वही गिर गया था। आप मिस्त्री मैडम की व्हीलचेयर के पास ढूंढिए, वो बटन आपको वहीं मिलेगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, वो बटन आपको वहीं मिलेगा। तुमने कहा था कि तुमने विराट को वहां देखा ही नहीं, तो ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता? मैंने छुपकर देखा था सर, मैं वहीं था, मैंने ये सब होते हुए देखा। मैं हूँ चश्मदीद का बाहू स्कूल का, मैंने देखा है सर। दिस इज कंप्लीटली रिडिकुलस योर ऑनर। विराट कहता है कि खून अनुराग ने किया, अनुराग कहता है कि खून विराट ने किया। हाउ डज इट मैटर जब दोनों एक ही इंसान हैं? मेरे हिसाब से इन सारी बातों को भूलकर उस इंसान को सजा देनी चाहिए जो यहाँ इस कटघरे में खड़ा। होल्ड ऑन जस्ट अ मोमेंट प्रोसिक्यूटर, कहानी में एक ट्विस्ट है, सोचने वाली बात है कि अनुराग कहता है कि विराट के कुर्ते का बटन टूटकर व्हीलचेयर के सीट के नीचे गिरा, विराट कहता है कि अनुराग के कुर्ते का बटन टूटकर व्हीलचेयर के सीट के नीचे गिरा, जबकि वास्तविकता कहती है कि कुर्ते के सारे बटन साबुत है, एक भी बटन नहीं टूटा। इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है? ये नहीं योर ऑनर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अनुराग और विराट एक दूसरे से शत्रुता निकाल रहे हैं। इसका एक ही अर्थ है कि अनुराग उर्फ विराट हत्यारा नहीं, हत्यारा कोई तीसरा है। योर ऑनर, दिस इज कंप्लीट एंड अटर नॉनसेंस। योर ऑनर, मिस्टर पाठक अब क्या कहना चाहते हैं कि ये ड्यूअल नहीं, मल्टीपल पर्सनैलिटी है? योर ऑनर, कातिल सिर्फ एक है और वो हम सबके सामने खड़ा है, अनुराग सिरोही। योर ऑनर,
इस केस की सुनवाई 24 नवंबर को की जाएगी, जहां इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। तब तक ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि मिस्टर अनुराग सिरोही और मिसेज मिस्त्री के घरों की तलाशी ली जाए, ताकि कोई छुपा हुआ सबूत हो तो वो मिल सके और इस केस का फैसला और मजबूत हो। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तलाशी लो अच्छे से। सर, गहने तो यहीं पर है। इसका मतलब केडी सही था, विराट उर्फ अनुराग दोनों झूठ बोल रहे थे। बटन तो नहीं है यहाँ। कॉन्टैक्ट लेंस? आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती हैं मिसेस सबनिस? जी हाँ पहनती हूँ, लेकिन ये लेंस मेरा नहीं है, क्योंकि ये -2 है और मेरा विजन 0.25 है, -0.25, तो ये मेरा नहीं है। हाँ, वैसे हमारा पावर जो है वो -2 ही है, लेकिन हम कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनता है, चश्मा पहनता है हर टाइम इंटेलेक्चुअल देखने के लिए। साहब, मेरी नज़र तो एकदम पक्की है, फिर मैं लेंस क्यों पहनूंगा? हाँ, मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता हूँ और मेरा नंबर भी -2 ही है, लेकिन मैं सेमी सॉफ्ट लेंसेज पहनता हूँ। ये सॉफ्ट लेंस है, ये मेरा लेंस नहीं है। जी, मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज का नंबर -2 ही है, लेकिन ये मेरा कॉन्टैक्ट लेंस नहीं है, क्योंकि मैं तो मिसेज मिस्त्री के घर ही नहीं गई। सब लोगों का कथन सुनने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं श्यामली जी, कि चार लोग सच बोल रहे हैं और कोई एक झूठ बोल रहा है। वैसे मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि फोरेंसिक्स का यह कहना है कि इस पर जो DNA मिला है वो आपका है, मिस श्यामली वधेरा। लेकिन आप तो मिसेज मिस्त्री के घर गई ही नहीं थी। अचंभे की बात है कि आपका कॉन्टैक्ट लेंस वहां कैसे पहुंचा और ठीक उसी जगह पर मिला जिस जगह पर मिसेज मिस्त्री की हत्या हुई थी। कैसे हुआ ये? ये कॉन्टैक्ट लेंस मेरा ही है, मैं वहां गई थी मिसेस मिस्त्री को पहले ही मारा। Order, silence in the court, please. अनुराग से बहुत प्यार करती हूँ और पिछले कुछ दिनों से मिसेज मिस्त्री उसे मेरे खिलाफ भड़का रही थी, उसे मुझे छोड़ने की बात कह रही थी। इसी बारे में बात करने के लिए मैं उनके घर गई और हमारी बहस इतनी बढ़ गई कि मैंने उन्हें मार डाला। और फिर जब अनुराग वहां पहुंचे तो आपने इनके सर पर वार किया, इन्हें बेहोश किया और इस हत्या में फंसा दिया। जी, मुझे लगा अनुराग मिसेज मिस्त्री की बातों में आकर मुझे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर इसी बात का पछतावा आपको मुझ तक ले आया अनुराग को बचाने के लिए। जी, मुझे माफ कर दो अनुराग। यह अदालत मिसेस बहरोज मिस्त्री के कत्ल के जुर्म में श्यामली वधेरा को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है।
और अनुराग सिरोही को इस केस से बाइज्जत बरी कर दी है। द केस इज क्लोज्ड। अनुराग शमली, अब तो मेरा और अपना हम दोनों का सपना पूरा कर इस दुनिया के सबसे बेहतरीन पेंटर बनकर। आजादी की बधाई हो। शामली की हार मेरी जीत कैसे हो सकती है सर? घटना तो दुखद है अनुराग, जीवन में अक्सर ऐसा होता है। तुम्हारी चिंता है मुझे। जब तक ये खतरनाक विराट तुम्हारे अंदर है, तुम सुरक्षित नहीं। मेरे पहचान में एक अच्छे डॉक्टर है, उनसे चिकित्सा करवा लो। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हर एक कदम पर मेरा साथ दिया है सर। अगर विराट बनकर मैंने आपसे कोई बदतमीजी की हो तो प्लीज माफ कर देना मुझे। ऐसा कुछ नहीं। नहीं सर, सच में मैंने आपसे गलत कहा था कि आप एक जज्बाती इंसान हो जिसे कोई भी धोखा दे सकता है। सर आपने तो अपने जज्बातों को काबू में रखकर ये केस जीता है। थैंक यू वेरी मच सर। अपना ख्याल रखना। जी बाय। एक मिनट। जी सर। क्या कहा तुमने? ये बात तो विराट ने कही थी मुझे। यार तू तो सिर्फ एक मामूली जज्बाती इंसान है जिसे कोई भी धोखा दे सकता है। और जहां तक मेरा ज्ञान है, अनुराग को विराट की कोई बात का पता नहीं होता और विराट को अनुराग की कोई बात का पता नहीं होता। तो फिर तुम्हें? जी। लेकिन तुम ऑल द बेस्ट। अरे केडी, वेलकम वेलकम। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कुछ ही देर में दिल्ली निकलने वाला था। हमेशा हमेशा के बेरोज मिस्त्री की हत्या तुमने की है। की फर्क पैदा है केडी, किसने मारा किसने नहीं। सच तो ये है कि तुम मेरे लिए केस जीत गए, हम तीनों के लिए। केडी पाठक के लिए, अनुराग सिरोही के लिए। क्या बात है, तुम्हारी अदाकारी के लिए तुम्हें पुरस्कार देना चाहिए। है ना, मुझे भी यही लगता है कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं। लेकिन तुम ही बताओ, जो बात चित्रकारी में है वो अदाकारी में नहीं है। एक कोरे कागज पर अपना प्रेम ब्रश घुमाकर मैं करोड़ों कमा सकता हूं, करोड़ों। लेकिन अफसोस उस बहरोज मिस्त्री को मेरे कला की कदर नहीं थी। वो मेरे एग्जीबिशन कैंसिल करके उस 2% की सबलिस को दे रही थी। तुम ही बोलो, इज देयर एनी कंपैरिजन? हां, अरे तुम खड़े क्यों हो? तुम मेरे दोस्त हो, बैठो, चाय पियोगे, पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। विराट चाय बहुत अच्छी बनाता है, बहुत अच्छी। बैठो बैठो।
अच्छी पेंटिंग्स है ना? चाय केडी, घबराओ मत, इसमें जहर नहीं है। जिस इंसान ने मेरी जान बचाई मैं उसकी जान नहीं लूंगा। एक बात बताओ अनुराग, बेरोज मिस्त्री को तुमने मारा ये तो तय है, लेकिन विराट को जन्म क्यों दिया? जो इंसान मेरी कला की कदर नहीं करता मैं उसके जान की कदर नहीं करता। उस बुढ़िया को मारने का प्लान तो मैंने बहुत पहले से बना दिया था, लेकिन मुझे यह पता था कि एक न एक दिन पुलिस मुझ तक जरूर पहुंच जाएगी, इसीलिए मैंने पहले से ही सारा इंतजाम कर दिया था। एक महीने पहले मैंने विराट को जन्म दिया और अपने आसपास के लोगों को यह एहसास दिला दिया कि विराट असलियत में है। साली बुढ़िया, समझती क्या है अपने आप को? विराट, विराट प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ विराट। मत समझा मुझे क्या कर रहा है तू, जाके उस बुढ़िया के तलवे जा कुत्ते। अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग उस दुकानदार को दी तुम्हारे नंबर के साथ, और पकड़े जाने के बाद शामिल को तुम्हारे पास भेज दिया। इसका मतलब तुम्हारे इस प्लान में मैं पहले से शामिल था। ऑफ कोर्स केडी, ऑफ कोर्स। आगे तक की सोच। अच्छा खेल खेला तुमने। जब अदालत में यह साबित होने लगा कि कोई विराट नहीं है, तब तुमने विराट बनकर अनुराग को बचा लिया और अनुराग बनकर विराट को बचा लिया। बिरला, कभी सुना है केडी, खुद पर इल्जाम लगाकर अपने आप को बचाया? लेकिन असली शातिरता तुम्हारी तब नजर आई जब तुमने व्हीलचेयर के नीचे ढूंढने की बात की ताकि पुलिस को वहां श्यामली का कॉन्टैक्ट लेंस मिले, जो मैंने ही कत्ल के बाद वहां छोड़ दिया था। अनुराग तुम तो बच गए, लेकिन बेचारी श्यामली। बेचारी श्यामली, रियली सैड। लेकिन केरी, उसको भी तो अपने ही किए की सजा मिल रही है ना? अगर प्यार में अंधे होंगे तो ठोकर तो लगेगी ही ना। अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है अनुराग, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। हाँ, ये मेरी हार है कि एक बार तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन दोबारा धोखा खाने की बेवकूफी नहीं करूंगा। मतलब तुम ये केस फिर से लड़ोगे मेरे खिलाफ? क्यों अपनी जगह सही करना चाहते हो केडी? तुमने इतनी मेहनत करके मुझे सच्चा साबित किया, अब मुझे झूठा साबित करके तुम अपने आप को झूठा साबित करोगे? हाँ, मेरी नहीं, अपनी चिंता करूंगी। चाय अच्छी बनाते हो तुम, लेकिन एक सलाह देता हूं, ये दूध वाली चाय पीने की आदत छोड़ दो, जेल में खाली चाय मिलेगी। क्या? नहीं, आप झूठ बोले। अनुराग को पिछले 15 सालों से जानती, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। श्यामली, तुम्हारे इसी 15 वर्षों के विश्वास का फायदा उठाया अनुराग ने, और मैं उसके इस खेल पर से पर्दा उठाना चाहता हूं। श्यामली, अदालत के इस निर्णय का उच्च न्यायालय में विरोध करना चाहता हूं। नहीं, मैं ये मानने को ही तैयार नहीं हूं कि अनुराग कातिल है। चलो तुम कहती हो तो मान लेते हैं कि अनुराग कातिल नहीं, तो क्या तुम कातिल हो? तुम्हारे इस अपराध को स्वीकार करने के कारण असली अपराधी बाहर आजाद घूम रहा है, क्या ये ठीक है? देखो श्यामली, तुम्हारी सम्मति के बिना मैं इस केस को दोबारा खुलवा नहीं सकता। मुझे अपना वकील नियुक्त करो, इस केस में न्याय होने दो, प्लीज श्यामली। केड़ी, जब से केस खत्म हुआ है ये घर ऐसे ही बंद पड़ा है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहां से कुछ मिलेगा, और पुलिस यहां से पहले ही सब कुछ चेक कर चुकी है। ये नीले कलर का निशान किस चीज का है?
हाई कोर्ट में अपील करने का समय आ गया। राइट सर। योर ऑनर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। केडी सर ने खुद मुझे बेगुनाह साबित किया है और अब तो मैं एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ, तो ये केस खोलने में मतलब क्या बनता है? वो इसलिए अनुराग कि श्यामली ने अपना बयान दिया। अब उनका ये कहना है कि वो निर्दोष है। क्या जी? श्यामली, मैं तो पहले से जानता था श्यामली बेगुनाह है, लेकिन श्यामली तुमने ऐसे किया क्यों? क्यों मैं बचाने? वो तुमसे इतना प्रेम करती है कि तुम्हें बचाने के लिए वो अपना सब कुछ लुटा सकती है। लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी श्यामली, तुम जानती हो मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं, है ना केडी सर? योर ऑनर, श्यामली के झूठे अपराध स्वीकरण के कारण असली अपराधी कानून के पकड़ से बच निकला। मेरा इस केस को फिर से खुलवाने के पीछे मकसद केवल इतना है कि मैं श्यामली को निर्दोष साबित करूं और असली हत्यारे को सजा दूं। इतना आसान नहीं है मिस्टर पाठक। अक्सर मुजरिम गुनाह कबूल करके मुकर जाते हैं। श्यामली ने भी शायद यही किया। अगर तुम ये समझते हो कि श्यामली बेगुनाह है तो कोई तो सबूत होगा तुम्हारे पास उसे बेगुनाह साबित करने के लिए, तो अदालत में पेश क्यों नहीं करते? Absolutely, प्रोसिक्यूटर साहब। श्यामली, जरा अदालत को बताइए कि हत्या की रात को आप कहाँ थी? जी, मैं उस रात को घर पर थी अकेले, इसलिए इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इससे ज्यादा मैं आप लोग की और कोई मदद नहीं कर सकती। बस इतना बता सकती हूँ कि ये कत्ल मैंने नहीं किया, और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि अनुराग भी बेकसूर है। अनुराग, एक बार फिर से अदालत को यह बताने का कष्ट करें कि उस रात क्या हुआ था। जी सर, बता देता हूं। उस रात जब मैं मिस्त्री मैडम के घर गया था तो कातिल पहले से ही वहीं छुपा हुआ था। उसने मेरे सर पर पीछे से वार किया एक फूलदान से, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। क्या वो फूलदान ऐसा ही था जैसा कि वहां मेरे मेज पे रखा? सर, आप ही ने मेरा केस लड़ा था सर, आप तो जानते हैं ऐसा ही था। ऑफ कोर्स। तो ये बताओ कि तुम पर वार किस जगह हुआ था? सब ठीक, सब मुझ पर हमला मिस्त्री मैडम के बेडरूम के बाहर हुआ था, उनके कमरे के बाहर। कमरे के बाहर? अच्छा, तो अनुराग, मेरी दुविधा ये है कि आप पर हमला आप पर वार अगर कमरे के बाहर हुआ तो मिसेज मिस्त्री के शयन कक्ष के अंदर की दीवार पर फूलदान के टूटने के निशान कैसे आए? जी जी योर ऑनर, ये कुछ तस्वीरें हैं मिसेज मिस्त्री के घर के बेडरूम के दीवारों की, जिस पर फूलदान के टूटने के कारण नीले रंग के खरोंचे लगी हुई है, और ये फूलदान का टूटा हुआ टुकड़ा जो उनकी बिस्तर के बगल वाली मेज के नीचे से मिला, इससे स्पष्ट होता है रौनक कि फूलदान कमरे के बाहर नहीं कमरे के अंदर टूटा था, और इस बात के गवाह इंस्पेक्टर दवे है। अगर फूलदान बेडरूम में टूटा है तो फिर अनुराग का बयान? वास्तविकता में हुआ ये कि मिसेज मिस्त्री ने अपने हथियारे की ओर फूलदान दे मारा, लेकिन उनका निशाना चूका और फूलदान जाकर लगा बेडरूम के अंदर की दीवार पर। हो सकता है वो फूलदान पूरी तरह से टूटा ना हो और कातिल ने मिसेस मिस्त्री का कत्ल करके उसके बाद वही फूलदान
अनुराग के सर पर तोड़ा होगा और वो भी कमरे के बाहर। जी सर, ऐसा ही हुआ होगा ना? योर ऑनर, चीनी मिट्टी का बना हुआ फूलदान सिर्फ एक ही बार टूट सकता है, दोबारा नहीं। योर ऑनर, ये उसी फूलदान का जोड़ीदार है जो मिसेस मिस्त्री ने अपने हत्यारे की ओर फेंका था, कुछ ऐसे। अब आप ही बताइए यो, केस टूटे हुए फूलदान की द्वितीय बार टूटने की क्या संभावना है? तो फिर ये फूलदान के टुकड़े अनुराग के आसपास क्यों मिले? उसे तो कमरे में होना चाहिए था। यही तो इनका झूठ पकड़ा गया। इन्होंने मिसेस मिस्त्री की हत्या करने के बाद टूटे हुए फूलदान के टुकड़े बड़ी सावधानी से उठाए, किसी कपड़े में लपेट कर, ताकि उस पर इनकी उंगलियों के निशान ना आए, और ले जाकर बाहर बिखेर दिए, ये जताने के लिए कि इन पर वार उसी फूलदान से हुआ था। झूठ है सर, ये सरासर झूठ है सर। अगर मेरे सर पर फूलदान से वार नहीं हुआ तो ये घाव आया कैसे? ये चोट आपने अपने आप को दी है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने खुद दिया? ठीक है सर, आप ये साबित कर दीजिए। यही तो साबित करने का प्रयास कर रहा हूं मैं अनुराग, कि मिसेस मिस्त्री के घर के अंदर ना तुम पर हमला हुआ था, ना तुम बेहोश हुए थे, पूरे होश में थे तुम। एक बात बताओ, अगर तुम पूरे होश में थे तो तुम्हारे हाथ में वो चाकू, हाथ पे खून के दाग, कुर्ते पर खून के निशान, ये कैसे हुआ, कैसे आए? मुझे नहीं पता सर। क्यों, तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम पूरे होश में थे। मैं बेहोश हुआ था सर, शायद मेरे सर पर किसी और चीज से वार हुआ हो। ऐसी, अब तक तो आप कह रहे थे ठोस तरीके से कि आप पर वार फूलदान से ही हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि वो वस्तु कुछ और थी? नहीं सर, सब देखिए, मुझे सब कुछ पूरी तरह याद नहीं है, शायद मैं अपने आपे में नहीं था सर। मैं एक बीमार आदमी हूं सर। सब मैं बीमार हूं, आप तो जानते हैं। अदालत इस बात को जानती है अनुराग कि तुम दोहरी व्यक्तित्व के शिकार हो, लेकिन ये बात अदालत को फिर से बताकर तुम क्या जताना चाहते हो? की हत्या विराट ने की है। सब हो सकता है मैंने विराट बनकर ये किया हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हत्यारा अनुराग है, यानी कि तुम? नहीं सब, मैंने खून नहीं किया सब। इसका मतलब ये हुआ अनुराग की हत्यारा विराट ही है। योर ऑनर, हत्या करके फरार विराट, और उसका फरार होना इस बात का सबूत है कि हत्यारा विराट ही है। ले आ गया, मुझे तुझसे या किसी से छिपने की जरूरत नहीं है, समझा? क्योंकि मैंने कोई खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। अगर यह हत्या तुमने नहीं की तो किसने की? अनुराग ने। ये लड़की साली अपने आप को बचाने के लिए आप दोनों को फंसा रही है। रेली, लेकिन विराट शामली का तो कहना है कि अनुराग को तुमने फंसाया है। क्या, ये कब कहा इसने? अरे अभी अभी तो कहा, ध्यान कहा था तुम्हारा? अरे तुम्हारा ध्यान कहा है केडी? ये तो हर किसने कहा इसने? अरे भरी अदालत में कहा, हम सबने सुना, तुमने कैसे नहीं सुना विराट? अरे झूठ बोल रहे तू, अपनी अकल का इलाज करा। विराट, सच को छुटला कर अदालत में तुम एक वकील के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। अरे कौन सा सच, अभी अभी तो इसने कहा है कि ये मुझे बेकसूर समझती है। तुम्हें या अनुराग को? अरे एक ही बात है, तुम हो या अनुराग, एक ही बात है, यही कहना चाहते थे।
नहीं, उसने अभी अभी ये कहा था कि वो अनुराग को बेकसूर समझती है। अनुराग को ये बात तुम्हें कैसे पता विराट? क्योंकि जब श्यामली ने ये बात कही थी तब तुम यानी कि विराट ने अनुराग यहां खड़ा था, और जहां तक हम सब जानते हैं या तो अनुराग हो सकता है या विराट, एक ही समय पे दोनों शख्सियत नहीं हो सकते। तुम तो विराट हो, तुम्हें कैसे पता कि उसने अनुराग को बेकसूर कहा था? तुम मुश्किल में हो अनुराग, दुर्भाग्यवश अपना ही रचा हुआ खेल ठीक से तुम खेल नहीं पाए। योर ऑनर, वास्तविकता में यह पूरा षड्यंत्र इसी का रचा हुआ है। अनुराग और विराट एक ही व्यक्तित्व है, और ये मन अनुसार उन दोनों के बीच रंग बदलता रहता है ताकि इसकी हत्या का आरोप किसी तीसरे पर आए। Am I right, Mr. Anurag Sirohi, or am I right? You are right. Then I'm gonna kill you for it! इतनी बारीकी से ब्रांडियों में यहां तक पहुंचा, तुझे तक मात दे दी, लेकिन केडी तू बीमार है, तुझे सच तक पहुंचने की बीमारी है। बीमार तू है, मैं नहीं, बीमार तू है। यह अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए श्यामली वधेरा को बेरोज मिस्त्री की हत्या के जुर्म में निर्दोष पाकर बाइज्जत बरी करती है, और अनुराग सिरोही को इसी हत्या के जुर्म में दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। इतनी आसानी से भूलूंगा नहीं तुझे केडी, नहीं भूलूंगा। बोलना चाहिए भी नहीं। और हाँ सुनो, अगर जेल में बोरियत महसूस हो या अकेलापन महसूस हो तो विराट को बुला लेना, आपस में बैठ के बातचीत करते हुए समय कट जाएगा। क्यों, चलो। गुड बाय अनुराग, आई एम सॉरी, डबल गुड बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।